ये दोस्तों आप देख रहे हो ऑल न्यू BMW 2 सीरीज 220i। आज इसकी डिटेल में इधर बात होगी। दोस्तों जो भी इसके फीचर्स हैं, स्पेक्स हैं, सारे आपको मिल जाएंगे एज अ होल नीचे डिस्क्रिप्शन में। पूरे स्पेक्स फीचर्स सब आप पूरे एक साथ पढ़ सकते हो, पूरी इन्फो आपको एक साथ मिल जाएगी। और साथ में जो इसका प्राइस है वीडियो में, साइड्स में, शॉर्ट्स में और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। फिलहाल आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी वाला फील आता है जब भी मैं इसको देखता हूँ। और स्पेशली जो ये कलर है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये मेरे इंडिविजुअल थॉट्स हैं, बाकी आप अपने व्यूज़ बता सकते हो अगर आप कुछ और सोचते हो इसके बारे में। फ्रंट की बात कर लेते हैं, फ्रंट प्रोफाइल मैं पूरी आपको चेक करा देता हूँ। तो मूव कर लेते हैं को ड्राइवर साइड तक। इधर इसके आप हेडलैम्प्स देखेंगे, जैसे कि पूरा इसका फ्रंट बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है वैसे इसके हेडलैम्प्स हैं। BMW LED टेक्नोलॉजी आपको इधर देखने को मिलेगी, जितना भी लेटेस्ट टेक है वो सारा आप इधर देख पाओगे इस गाड़ी में, इस ऑफरिंग में। इसके बाद आपके पार्किंग सेंसर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं इस गाड़ी के लिए। और साथ में जो आपके फॉग लैम्प्स हैं ये भी LED पे प्रोवाइड किए गए हैं। ग्रिल बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है इस गाड़ी की, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। BMW का एम्बलम पर पार्ट में मिलता है। बोनट एरिया पूरा आप इधर देख सकते हो। थोड़ा सा मैं कैमरा ऊपर करना चाहूँगा जिसमें कि अच्छे से पूरा आपको एनहांस्ड फील मिल जाए। इसके बाद कॉमन सी एक बार डुअल सेटअप वाइपर्स आपको दिए गए हैं। ये दोस्तों थी इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अगर अभी तक आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो शायद ये वाला गाड़ी लेना चाहते हैं। इसके साथ में इसकी की आप देख सकते हो, तो इससे अपना बूट भी ऑपरेट कर सकते हो। डुअल फिनिश पे की आपको ये देखने को मिलती है। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो पूरा मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसका जो साइड व्यू है वो आपको दे देता हूँ। एज अ होल पूरा पहले आप देख लो, फिर से अच्छे से पूरा आपको इधर व्यू मिलेगा। टायर्स में चेक कराना चाहूँगा, तो ब्रिजस्टोन के आपको इधर टायर्स प्रोवाइड किए गए हैं। साइज़ है 225/45R17। इसके बाद में आपका ORVMs ये बॉडी कलर पे मिलते हैं और नीचे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है और इंडिकेटर इंसर्ट हो गया। ये देख लीजिए, पूरा व्यू ले लीजिए, अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा। सनरूफ भी चेक करा देता हूँ और शार्क फिन एंटीना ये भी आपको इधर प्रोवाइड किया गया है। डोर हैंडल्स बॉडी कलर पे मिलते हैं और इधर आप देखते हैं तो आपकी जो बीडिंग है ये पूरी आपको पियानो ब्लैक फिनिश पे दी गई है, जो डोर और आपकी विंडो लाइन आप बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। इसके बाद इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको मैं चेक कराना चाहूँगा। थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूँ जिसमें अच्छे से पूरा व्यू मिले। इधर आप देखते हैं अपना फ्यूल इनटेक एरिया, जो भी कैपेसिटी है नीचे मिल जाएगी आपको, बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में। अब इसका अदर साइड दिखाने से पहले जो इसकी थोड़ी जो बैक प्रोफाइल दिखाने से पहले जो इसका अदर साइड है वो भी आप इधर चेकआउट कर सकते हो। बैक प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी हाई स्टॉप लैंप है, डिफॉगर दिया गया है। इसके साथ इसका जो टेल लैंप है बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही वाइड पूरा इसने एरिया कवर करके रखा हुआ है। पूरा रैप अराउंड डिज़ाइन आता है, LED पे ही पूरा दिया गया है। LED का यूसेज आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपकी जो ब्रांडिंग्स है 220i की वो आप देख सकते हो। पार्किंग सेंसर्स हो गए, BMW का बहुत ही प्राउड सा एम्बलम वो आपको इधर दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया, ये सब आपके जितने भी एक्सटीरियर फीचर्स हैं वो आपको मैंने चेक करा दिए हैं बैक प्रोफाइल के। अब इसका जो बोल सकते हैं कि जो बैक है, जो टेल गेट है वो ओपन कर लेते हैं, तो की का यूज़ मैं करना चाहूँगा। ये देखिए मैंने प्रेस किया और आपका बूट ओपन हो गया है। अंदर की स्पेसेस हैं वो आप चेक कर लो, चंक अमाउंट ऑफ स्पेस इधर प्रोवाइड करी गई है, बहुत डीप स्पेसेस इधर देखने को मिलती हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ और बढ़ूँगा आगे। एक्सटीरियर पूरा कवर हो गया है। अब आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे, तो गाड़ी लॉक्ड है, तो मैं फिर से की से ही आपको फंक्शनिंग दिखा देता हूँ। कार को अनलॉक कर लिया है और इधर आप इसका पूरा डैशबोर्ड देख सकते हो। तो जनरली आप BMW में ऐसा एक सिंगल थीम नहीं देखोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रोवाइड करा गया है और बहुत ही आपको एक बोल सकते हैं कि बहुत काम वाला फीलिंग आपको ये दे देगा मेरे हिसाब से। बाकी आप बताना, सिंगल टोन है बेसिकली, बीच बीच में कुछ कुछ इंसर्ट्स आपको डिफरेंट कलर्स के प्रोवाइड करे गए हैं, वो जब अभी अंदर चलेंगे तो आपको चेक करा देंगे। बॉर्डरलेस पूरे विंडोज़ प्रोवाइड करे गए, जो बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट है इस गाड़ी का। पूरी सिंगल फिनिश बेसिकली, बस इधर आपको सिल्वर मिलता है। डोर लॉक अनलॉक, ORVM और पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं। डोर पॉकेट्स हो गई,
सीट एडजस्टमेंट्स पूरी ऑटोमेटिक हैं, ये देखिए। और अपनी आप जो मेमोरी है वो भी सेव कर सकते हो, 2 मेमोरीज दी गई हैं, तो बस प्रेस करिए और आपकी सीट उसी पोजीशन में एडजस्ट हो जाएगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और जो इसका इंटीरियर है वो आपको मैं चेकआउट कराने वाला हूँ, पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको चेक कराने वाला हूँ। इधर सबसे पहले आप पूरा डैशबोर्ड चेक कर लो, जैसे मैंने आपसे बाहर बोला था ना कि सिंगल कॉम्बिनेशन बेसिकली आपको इधर देखने को मिलता है। गाड़ी तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी गई है, अंदर बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है। और वही वाली बात जो हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि अब एक लग्जरी गाड़ी है तो आपको ऑब्वियसली अच्छा फील होना चाहिए जब आप इतना हैवी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो। अब नंबर आता है अपर पार्ट का, वो आप चेक कर लो पूरा, बहुत ही ब्रॉड सा अपर पार्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ में BMW की जितनी भी लेटेस्ट आप ऑफरिंग्स देखते हैं आजकल, सब में आपको ये ऐसा पूरा डिस्प्ले दिया जाता है, डिजिटल डिस्प्ले दिया जाता है, बहुत ही अच्छे कलर्स इधर यूज़ करे जाते हैं। होस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप इधर चेकआउट कर सकते हो, पूरा ग्राफिक्स जो इसके यूज़ करे जाते हैं बिल्कुल आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे देंगे। और जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है ड्राइवर के लिए वो सारी आपको इधर मिलती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो फॉर्म में प्रोवाइड करा जाता है वो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा सा फील दे देगा। टॉगल्स आपको मिलते हैं, इंडिकेटर है और वाइपर है, इसके साथ में पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड करे गए हैं। इधर आप देखते हैं स्पीड लिमिटर और आपका जो क्रूज कंट्रोल है, मीडिया कंट्रोल्स हैं, उस लगभग जितनी भी ज़रूरत होती है एक ड्राइवर को वो सब कुछ आपको इधर देखने को मिलेगा। और बेसिकली सबसे अच्छी बात क्या है कि पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। इधर आ जाते हैं तो लाइट एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, AC वेंट्स हैं, बहुत ही स्टाइलिश वे में देखने को मिलेंगे, लीफ फॉर्म डिज़ाइन इधर प्रोवाइड किया गया है। तो ये दोस्तों था इसका कुछ ड्राइवर साइड, मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा ये चेकआउट करा दिया है, जो भी रिलेटेड फीचर स्पेक्स है सारे मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं सेंटर में इसके मीडिया सिस्टम पे, तो पूरा ये स्टैंड आउट यूनिट आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी हमेशा से ही BMW की बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और ये कोई अलग केस नहीं है। इधर भी आपको बहुत बढ़िया सा पूरा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, टच देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप बिल्कुल स्विफ्ट फंक्शनिंग मिलती है, कहीं कोई आपको लैग नहीं मिलेगा। अब जैसे आप कार पे जाते हैं तो सेवरल आपके ऑप्शंस आ गए हैं, इसको मैं इसमें आ गया, द व्हीकल विल बी स्विच्ड ऑफ शॉर्टली टू कंटिन्यू यूजिंग फंक्शन स्टार्ट द इंजन। तो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं, तो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स पे जाते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जो भी दोस्तों इसके फीचर्स हैं। बेसिक बात ये है कि एक तो टच दिखाना और जो भी इसके बेसिक फीचर्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसका साउंड सुनना है आपको तो आपको लिंक वो भी मिल जाएगा, चेक कर लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, और फॉलो भी कर लेना, आपको वहाँ पे और भी गाड़ियों के साउंड चेक्स मिल जाएंगे, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप इधर देख रहे हैं कि गाड़ी ये बोल सकते हैं कि ऑफ हो गई, जैसे मैं आपको अभी बोल रहा था, तो मैं दोबारा से ऑन करना चाहूँगा जिसमें कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। अभी मैं इसको क्लोज करके और वापस से होम पे आ जाता हूँ। तो इधर ज़रूरत की जितनी बात थी मैंने आपसे कर ली है डिस्प्ले के बारे में, इसके जो ज़रूरी फीचर्स हैं वो सारे आपको नीचे पढ़ने को मिल जाएंगे एज अ होल डिस्क्रिप्शन में। और बाकी आपके मीडिया है, कम्युनिकेशन है, नेविगेशन है, कार है, ऐप्स है। और नीचे आते हैं तो इधर आपको अपना जो AC वेंट्स हैं वो आप देखते हैं, काफ़ी अच्छे से ये प्रोवाइड करे गए हैं बुलेट फॉर्म में। और नीचे आ जाते हैं तो मीडिया कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद इधर आप देखते हैं तो आपको ये वायरलेस चार्जर प्रोवाइड करा गया है इधर। इसके बाद इधर कप होल्डर्स भी हैं, USB भी दी गई है। और पीछे अगर आते हैं तो आपके आई ड्राइव कंट्रोल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अगर आप BMW की बात करते हो, पूरा स्विफ्ट फंक्शनिंग मिलती है, जिस भी ऑप्शन में जाना है बस प्रेस कर दो। और साथ में आपके मीडिया है, होम है, मैप है, कम्युनिकेशन है, बैक है, ऑप्शन है। इसके बाद सेवरल आपके कार कंट्रोल्स हैं, जैसे आपके जो मोड्स हैं, इंजन स्टार्ट्स ऑफ बटन है, ट्रैक्शन है, पार्क असिस्ट है, ऑटो ऑन ऑफ है, ऑटो होल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, गियर का जो फॉर्म है, गियर लीवर है, वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। और पीछे आते हैं तो अंदर की स्पेसेस देख लेते हैं। इधर आपको एक टाइप सी चार्जर दिया गया है, इसको बंद कर देते हैं। और ये आपका हो गया सेंटर पार्ट, ये पूरा आप इधर चेकआउट कर सकते हो, पूरा एज अ होल व्यू ले सकते हो। मैंने आपको पूरा एक एक करके भी दिखा दिया है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया सिस्टम के बारे में कि इसका जो भी फीचर्स हैं, मुझे ये बार बार बोलना पड़ रहा है आपसे जिसमें कि आपको मिस ना हो, आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ो इसके सारे फीचर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। इधर पूरा आप देखते हैं ये टेक्सचर्ड पूरा जो फिनिश है सिल्वर पे वो प्रोवाइड करा गया है। और जो आपका ग्लव बॉक्स है ये आप देख सकते हैं, बहुत ही डीप सा ग्लव बॉक्स निकाल के दिया गया है। वैनिटी देखते हैं तो लिड के साथ लाइटेड दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। और इधर भी आपको लाइटेड वैनिटी मिरर लिड के साथ देखने को मिलेगा। सनरूफ इधर आप देख सकते हो, अभी मैंने बाहर से भी पूरा व्यू आपको दे दिया था, अंदर से भी आपको देखना चाहिए।
तो दोस्तों ये था इसका डैशबोर्ड, पूरा कवर हो गया है, अच्छे से मैंने पूरी दिखाने की कोशिश की है आपको ये गाड़ी। अब मैं चलना चाहूँगा गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में। उम्मीद है कि अभी तक आपको ये ऑफरिंग अच्छी लगी होगी BMW की तरफ से। अपना बस आप ऐसे ही प्यार बना के रखिए, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ देखने को मिलती रहेंगी। तो चलते हैं जो सेकेंड रो है और वहाँ बैठ कर आपसे डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। ये दोस्तों आप देख रहे हो सेकेंड रो ऑफ सीट्स। सबसे पहले मैं चेक कराना चाहूँगा आपको हेडरेस्ट, ये एडजस्टेबल प्रोवाइड करे गए हैं। आर्मरेस्ट देख लेते हैं, ओपन कर लेता हूँ। इधर कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, बहुत स्विफ्ट सी ओपनिंग क्लोजिंग मिलती है। इसको बंद कर देते हैं तो ये देखिए पूरा फ्लैट फील आता है। इसके बाद जैसे आपको मैंने फ्रंट में दिखाया था जो आपका ड्राइवर साइड डोर है, वैसे इधर भी पूरे बॉर्डरलेस विंडोज़ प्रोवाइड करे गए हैं। वही आपकी ब्लैक फिनिश और जो आपका बोल सकते हैं कि पाम डोर कंट्रोल है वो आपको दिया गया है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं लेकिन पूरी गाड़ी दिखाना ज़रूरी है तो वो मैं आपको चेक करा रहा हूँ। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर, अंदर बैठ कर देख लेते हैं। अंदर आना बहुत ही आरामदायक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट 6 फीट है, ये आप देख सकते हो। अभी सीट आप और पीछे कर लो, इतनी इतनी जगह आपको अभी मिलती है। थाई सपोर्ट चेक कर सकते हैं। पीछे आपको दो चार्जिंग टाइप सी USBs दी गई हैं। रियर AC वेंट्स प्रोवाइड करे गए हैं। इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है भाई, ये तो बोलना बनता है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। बल्कि मेरे हिसाब से तो अगर बी पिलर में भी दे देते तो और भी अच्छा रहता, और भी ज़्यादा कूलिंग आपको मिलती तगड़ी वाली। अब आ जाते हैं सेंटर में और इसका जो डैशबोर्ड है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ, वन फ्रेम व्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों आप ये बताना तो इस गाड़ी से और क्या क्या उम्मीदें थीं, आपकी विश फुलफ़िल हुई कि नहीं विश फुलफ़िल हुई, और आपको ये ओवरऑल कैसा लगा, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर ज़्यादा क्या अच्छा लगा, और इसमें आप और क्या चेंजेस प्रेफर करना चाहोगे। अगर आप इंटरेस्टेड बायर हो या आप अगर एक कार एंथुजियास्ट हो तो वो कंपनी तक पहुँचाने की पूरी कोशिश होगी। अब मैं दोस्तों इधर वीडियो ख़त्म करता हूँ। अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिए, नीचे कमेंट्स में आप बताइएगा अपने जो भी थॉट्स हैं, हम लोग वेट करते हैं उसके लिए। और कंपनी का लिंक ज़रूर विजिट करिएगा अगर आपको इसकी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और बाकी डिस्क्रिप्शन में ही आपको पूरा इसका डिटेल सारे फीचर्स स्पेक्स सब कुछ पता चल जाएंगे। अपना प्यार अपना सपोर्ट दोस्तों बना के रखिए, देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ। इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक उसके भी नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।